आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। रचाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत आईपीएस ने कहा कि इस महीने की 1 दिसंबर को रात 9 बजे स्नेहापुरी कॉलोनी में एक ज्वेलरी की दुकान में फायरिंग की गई थी। इस वाकये में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने इसकी तफसीलात मीडिया के नुमाइंदों को बताई। 2022 के दिन शाम को तकरीबन 8:30-9 बजे के दरमियान चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के स्नेहापुरी कॉलोनी में एक जो महादेव ज्वेलर करके शॉप है, वहां पे फायरआर्म का डकैती हुआ था, जिसमें शॉप के जो ओनर है कल्याण चौधरी और ये शॉप को जो गोल्ड सप्लाई करने गणपति ज्वेलर से जो राजकुमार सुराना और सुखराम करके लोग आए थे, उसमें से सुखराम ये दोनों को बुलेट इंजरी हुई थी। और ये गणपति ज्वेलर का जो 3 किलो सोने का जो एक बैग था, वो बैग वो लोग छीन के वहां से फरार हो गए। ये समाचार मिलने के बाद तुरंत हमारी पूरी क्राइम टीम, एसओटी टीम, लॉ एंड ऑर्डर, आईटी सेल, ये सब विंग के ऑफिसर वहां मौका वारदात पे जाके उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं कि इस केस में 6 मुजरिम अभी अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से 100% जो सोना चोरी हो गया था, 2 किलो 700 ग्राम वो सोना पूरा बरामद हुआ है और 3 7.62 mm के पिस्तौल, 25 लाइव राउंड्स, 1 एयर पिस्तौल, उसके 4.5 mm के पेलेट्स, 1 डैगर, 1 SUV कार, 4 फोर व्हीलर्स, इसमें जो 2 फोर व्हीलर जो है, 1 एक्टिवा और 1 पल्सर, एक क्राइम के समय इन लोगों ने इस्तेमाल किया है, ये सब हमने बरामद किया है। इस केस में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम महेंद्र चौधरी, इसका राजलक्ष्मी ज्वेलर करके गजवेल में ज्वेलरी का शॉप है, इसी ने हरियाणा दिल्ली से ये हायर गैंग को यहाँ पे बुलाया था और वो लोग वेपन के साथ इससे पहले भी अक्टूबर महीना में आए थे, उस समय में भी उन्होंने गौराराम पुलिस स्टेशन में एक व्हीकल चुरा लिया था, एक्सटॉर्शन किया था, एक आदमी को डरा के वो व्हीकल वहां से उन्होंने पाली भेज दिया था ट्रांसपोर्ट में। और इस अभी जो हमारा केस हुआ, इस केस के 10 दिन पहले यहाँ आके रामायणपेट गजवेल ये एरिया में इन्होंने सेल्टर लिया था लॉज में और पक्का रेकी करके इन्होंने ये ऑफेंस किया। इस ऑफेंस में जो हमने अरेस्ट किया है उसमें एक्यूज नंबर विंग से बलशी ट्रैकिंग स्टार्ट చేయడం జరిగింది। ఫస్ట్ అక్కడ పార్క్ మార్కెట్ సికింద్రాబాద్ నుంచి బయలుదేరారు వయా ఉసిగూడ మెట్టుగూడ తారనాక ఉసిగూడ, తర్వాత వాళ్ళు గోల్డ్ దాదాపు 7 షాపులలో డెలివరీ చేస్తున్నారు। సో 6 షాపుల దగ్గర అంటే బోడంపల్, రిజారిగూడ, తర్వాత బిఎన్ రెడ్డి నగర్ అక్కడ మొత్తం సుష్మా దగ్గర, సో వేరియస్ గోల్డ్ షాప్స్ లో డ్రాప్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే అవకాశం కొరకు చూస్తూ అక్కడి నుంచి ట్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చారు। ఫైనల్ గా ఇక్కడికి వచ్చే వరకు టైం అరౌండ్ 9 అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా తక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి రష్, అతను ఆ గోల్డ్ షాప్ లోకి వెళ్ళగానే ఈ అఫెన్స్ చేయడం జరిగింది 7th ప్లేస్ లో। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाज़त।